the next day. So hey guys, good morning, welcome back to the channel. I hope कि आप सभी ठीक हो, पर मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ क्योंकि रात से मेरी हालत ख़राब हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा वाली. सुबह से मेरा हाथ बिल्कुल सीधा भी नहीं हो रहा है. जस्ट अभी अभी पापा ने मतलब कोई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए, तो उन्होंने भी इवनिंग का बोला है. तब तक समझ नहीं आ रहा करूँगा क्या मैं, क्योंकि पीछे से पूरे हाथ पे सूजन आ गई, मतलब शोल्डर के बैक साइड में सूजन आ गई है. और आज ब्लॉग भी एडिट नहीं कर पाया मैं, मतलब ब्लॉग मेरा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है. 8:30 आ जाता है क्योंकि रात से, मतलब मैं रात को ही करके सोता हूँ, लेकिन रात से तो मेरे हाथ में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा वाला, पता नहीं क्या ही होगा यार. तो हाथ में मेरा दर्द बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है. तो शाम का कौन वेट करेगा, मैं अभी जस्ट निकल ही रहा हूँ पापा के साथ. पापा नीचे चले गए और फिलहाल रेडी तो क्या हो रहा है, डॉक्टर के जाना है. हाथ ऊपर नहीं हो रहा है यहाँ से मेरा ज़्यादा, चलते और बस डॉक्टर फालतू ऐसा कुछ बता नहीं दे, फालतू तो क्या बताएंगे लेकिन ज़्यादा कुछ बताया नहीं. एक्सरे हो रहा है भाई मेरा. सो गाइस, फ़िलहाल मैं हूँ मेरे घर पे, हॉस्पिटल से जाके आ गया था मैं, और थोड़ा सा मतलब दवाई वगैरह दी थी डॉक्टर ने, एक्सरे भी किया था, तो इतना कुछ बताया नहीं है, बस रेस्ट के लिए बोला है और ये प्लास्टर वगैरह जो भी है ये बांधा है. थोड़ा सा मैं रेस्ट वगैरह करने के लिए सोच ही रहा था, अपने में मम्मी ने खाना ला के रख दिया कि बोले खाना वाना खा, और बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है. हाथ अब तो पहले मतलब कल तक थोड़ा सा तो उठ रहा था, अभी बिल्कुल मूव ही नहीं हो रहा है, हालत ख़राब हो गई. सोचा नहीं था यार. और बाकी किसी के भी अगर क्वेश्चन वगैरह आया कि क्वेश्चन वगैरह होंगे कि हुआ कैसे, क्या हो गया ऐसा, तो पूछ लेना. अपन एक क्यू एन ए व्लॉग ही रखने वाले हैं, मैंने सोचा है कि एक क्यू एन ए व्लॉग कर लेते, अभी तक किया नहीं है स्टार्टिंग से, तो सही रहेगा. बाकी 6-7 दिन का रेस्ट बोला है तो रेस्ट ही करना होगा, तो अगर मेरे ब्लॉग्स थोड़े से डिले हो जाते हैं तो थोड़ा समझना गाइस. अभी देखता हूँ, मुझे थोड़ा सा मतलब काम है बाहर का, वो शायद सस्ते में आ जाएगा अभी दिन में. अभी तो 12:00 बजे तो वो आ जाएगा, तो फिर साथ में चल जाएंगे, बाइक वो चला लेगा ना. मैं पीछे तो बैठ ही सकता हूँ, अभी पापा के साथ भी हॉस्पिटल जाके आया, हालत ख़राब है. सोचा नहीं था इतना कुछ हो जाएगा. देखो वाह, मेरा जाने का प्लान था पूरा कैंसिल हो गया. कोई ना, इस ब्लॉग को अपन कल से कंटिन्यू करेंगे, काफ़ी ज़्यादा तेज बारिश आ रही है. सही है, वैसे हाथ में दर्द भी मेरे ज़्यादा था, अब तक बारिश के मजे लो, सब एंजॉय करो बारिश में. 2000 years later. तो जैसा कि गाइस आपने मुझे कल भी बेड पे देखा था मेरे, और आज भी मैं मेरे बेड पे ही हूँ, और फिलहाल ट्रिपल आर देख रहा था मैं, और मेरा शोल्डर थोड़ा सा ठीक है, और ये इस वजह से ठीक है क्योंकि मम्मी पापा ने काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना ध्यान रखा है ना मेरा. बेड से मैं उतरा भी नहीं हूँ, बाई चांस बस खाना पीना खाने के लिए हॉल में गया होगा, बाकी रेस्ट ही रेस्ट किया पूरे 2 या 3 दिन. और सॉरी थोड़े से ब्लॉग्स वगैरह मतलब थोड़ा टाइम से नहीं आया होगा, तो उस वजह से सॉरी. बाकी काफ़ी मज़ा आ गया ब्रश करके. और कंधा भी ठीक हो गया मेरा. और अभी फ़िलहाल अपन चलते हैं थोड़ा सा बाहर, क्योंकि घर ही घर में रहकर मेरी हालत ख़राब हो गई है. और आप सभी को पूछना होगा कि मेरे शोल्डर में हुआ क्या था, तो वो एक अपन क्यों एन ए ब्लॉग रखेंगे, उसमें जिसको भी जो भी क्वेश्चन वगैरह हो मेरे से आराम से पूछ सकते हो, खुल के पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. आप ही का हूँ मैं भी, ठीक है. तो जिसके मन में जो भी क्वेश्चन हो, अच्छा बुरा जैसा भी, कितना भी गंदा डाउट हो, क्लियर कर लेना, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे सभी को. ताकि अभी चलते थोड़ी देर में, और शोल्डर ठीक है. तो गाइस फाइनली सुबह से वेट करते करते अब जाके सत्यम आ ही चुका है, क्योंकि कॉलेज गया हुआ था भाई. भाई आजकल पढ़ाई वढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, और मैं हाथ जुड़वा के घर बैठा हूँ. देख लो अब तो मैं ऐसे निकल चुका हूँ घर से, तो मौका चाहिए एक बार. अब घर वालों से मतलब 4-5 काम लेके आया हूँ कि ये करके आऊँगा, ये करके आऊँगा, धीरे धीरे सारे काम करवा के आज ही जाऊँगा मैं.
पहले तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कराना है, दैन डी मार्ट जाना है, फिर थोड़ा सा मेरे को राउंड गेट पे मेरी पैंट वगैरह फिटिंग है वो लेके आनी है। देखो काम है, धीरे धीरे चलते हैं, अभी तो फिलहाल सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करा के आते हैं। हमेशा की तरह का सीन हो गया, मेरे को सिर्फ डी ओ लेना आना होता है यहाँ पे, और हमेशा मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, अब समझ नहीं आ रहा लेना कौन सा चीज़, जल्दी से सजेस्ट करो। इस बार ये ट्राई कर लेते कैसा क्या रहता है। तो भाई धीरे एक बार, पहले धीरे ब्लॉगिंग में बात और कर लूँ क्या। डी मार्ट से जो परफ्यूम वगैरह का काम था वो तो सब ले लिया, लेकिन इतनी गंदी ओपी हो गई, इतना गंदा डीओ ले लिया ना मैंने, मतलब सजेस्ट किसी ने सजेस्ट नहीं करा था, ना तो सत्यम ने करा, वहाँ पे वही डी मार्ट में वो होते ना सर्विस वाले एटीओर सर्विस उन्होंने मेरे साथ ओपी कर दी, उन्होंने बोला बहुत शानदार है भैया, मैं खुद घर पर यूज़ करता हूँ। फिर मैंने बाहर लाके उसको देखा, मतलब करके देखा यूज़ थोड़ा सा, ना गंदा है ना जिसकी कोई हद नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, हद ही नहीं है। सत्यम ऐसे बोल रहा है ठीक है, अब इतना सस्ता है, 350-400 रुपये सस्ते होते हैं क्या, आप बताओ कमेंट करके। सो फाइनली गाइज मैं मेरे घर तो आ गया हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब बाहर रह गया था, तो घर वालों को टेंशन हो गई कि वैसे कंधे पे लगी हुई है, तो टेंशन हो ही जाती है। और आप सभी को बता देता हूँ अब लास्ट टाइम पे कि मेरे लगी कैसे थी कंधे पे और हुआ क्या था। जन्माष्टमी थी मतलब 3-4 दिन पहले, और मैं गया था कार्तिक के वहाँ पे, तो उन्होंने मटकी वटकी फोड़ने के लिए कृष्णा जी वगैरह जो भी बच्चे होते उनको सबको चढ़ा रखा था, तो मैंने भी मतलब थोड़ी हेल्प कर दी, तो उसी में थोड़ा सा हो गया। अब आप समझ सकते हो क्या हो सकता है गिरना वरना, तो वहीं पे मेरा थोड़ा हाथ हो गया था, अभी तो फ़िलहाल ठीक है। बाकी आप सभी को कैसा लगा ये ब्लॉग, मेरा टूटा फूटा ब्लॉग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और Q&A ब्लॉग अगर करवाना है तो जिसको जो भी डाउट है, मतलब जो भी मेरे से कमेंट्स लेके मेरे को लेके कमेंट्स है तो पूछ लेना, अपन जल्दी Q&A ब्लॉग भी रखने वाले, एक सबके आंसर मिलेंगे सबके। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर करा दो इसी ब्लॉग के साथ। ठीक है, बाय।